जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम धनगर कमांडो। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल करियर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर। अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल बटन लगा हुआ है, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अभी हम आपको बताने वाले हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पास, आप नया रनर जो होता है, जो नया बंदा तैयारी शुरू करता है, वो किस प्रकार से तैयारी शुरू करे। सबसे पहले इस चीज को आप ध्यान दें, तैयारी करने से पहले आपके पैरों में दर्द हो सकता है। नया बंदा कोई तैयारी करने के लिए आता है तो पैरों में दर्द हो सकता है, हैम मसल्स, आपको स्ट्रेट फ्रैक्चर, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इससे बचने के लिए सबसे पहले क्या करें, हम आपको कुछ ट्रिक बताने वाले हैं। इन ट्रिक को फॉलो करें, कम से कम 15 दिन आप कंटिन्यू इस ट्रिक को फॉलो करें। आप आसानी से रनिंग करने से पहले इन चीज को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। तो आप देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल, हम आपको आगे आगे क्या बताने वाले हैं तो आप देखें और वॉच करें। सबसे पहले अभी हमारे एकेडमी में चार बंदे, पांच बंदे ऐसे आए हैं जो नए बंदे आए, इनको रनिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ये घर से आए हैं, घर पे तैयारी कर रहे थे, अभी ये पांच नए एडमिशन आए तो इनको क्या है, इनको रनिंग के बारे में पता नहीं था। तो अभी हमारे पास आया तो हम इनको रनिंग के बारे में पहले बताते हैं, रनिंग को किस प्रकार से हम पहले तैयारी करवाते हैं। तो रनिंग में सबसे पहले आप बॉडी को वार्म अप जरूरी है। बॉडी का वार्म अप अगर आप नहीं करते हैं और सीधा आके अगर आप ग्राउंड में शूट मारना शुरू कर देते हैं तो आपका सबसे पहले सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले इनकी ड्रेसअप चेक कर लेते हैं, ड्रेसअप किस प्रकार से होना चाहिए। आपके शूज मेन, सबसे ज्यादा रनिंग में इफेक्ट डालता है शूज, और शूज आप किस प्रकार का पहन रहे हैं। शूज आप जब भी पहने, जब भी आप शूज पहने तो आप एकदम फ्लैट पैर वाला शूज नहीं पहने, समझ गया। फ्लैट पैर मतलब होता है आपका जूता एकदम आगे से नीचे तक एक जैसा नहीं होना चाहिए। फ्लैट मतलब बोले तो एक सोल समान नहीं होना चाहिए, नीचे जूते का जो सोल होता है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। सोल कम से कम आगे थोड़ा डाउन होना चाहिए, पीछे की तरफ थोड़ा अप होना चाहिए, समझ गए आप। जैसे ये जूता है, यहाँ पे पतला है, धीरे धीरे पीछे की तरफ मोटा होता जा रहा है। तो क्या है ना, इस प्रकार से मोटा शूज आपको पीछे की तरफ, जो आपका एकल है वो मोटा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब नीचे से जहाँ आपका पंजा है, पंजा से पीछे एडी की तरफ आता है, तो धीरे 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 उसकी साइज थोड़ी मोटी होती जानी चाहिए, तो आपको क्या है रनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपने सॉक्स वगैरह पहने हुए हैं, सॉक्स वगैरह में आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉक्स इस प्रकार से पहन सकते हैं। ये तो हो गई आपकी क्या, किस प्रकार का शूज पहनना है और किस प्रकार से आपको सॉक्स पहनना है। अभी आते हैं हम रनिंग करने से पहले क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं। सबसे जनरली बहुत सारे गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, सबसे ज्यादा आपको पता है फोर्स में भर्ती कौन होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मध्यम परिवार के लोग भर्ती होते हैं। तो मध्यम परिवार के लोग भर्ती होते हैं तो उनको क्या है, इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता। नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ, आप इस चीज को, ट्रिक को फॉलो करो। अभी इस प्रकार से आ गए आप, अभी आने के बाद में आपको बॉडी का वार्म अप करना है। सबसे पहले बॉडी का वार्म अप किस प्रकार से, थोड़े पीछे ले, बॉडी का वार्म अप सबसे पहले आप या तो एक साइड पकड़े, सबसे पहले एक साइड पकड़े, या तो आप सिर से पैरों की तरफ जाए या पैरों से सिर की तरफ आए। लेकिन सबसे पहले क्या है मैं बता देता हूं, सिर से पैर की तरफ जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिर से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो पैरों की लास्ट में एक्सरसाइज करें। पैरों की एक्सरसाइज लास्ट में करने से क्या है, आपको पूरी बॉडी तो वार्म अप होगी लेकिन लास्ट में एक्सरसाइज करने से क्या है ना, पैरों की ताजा आपकी वार्म अप रहेगा तो आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अभी अपन सिर से स्टार्ट करते हैं। सिर से स्टार्ट किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले गर्दन सामने, गर्दन को पूरा रोटेट करें, पूरा रोटेट करें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये हो गया गर्दन की एक्सरसाइज। ओके, गर्दन की एक्सरसाइज खत्म। अभी आप ले लें शोल्डर के ऊपर आ जाए, दोनों हाथ कमर पे रख ले, इस प्रकार से शोल्डर को रोटेट करें अपोजिट, ये आपका शोल्डर का हो गया। अभी आ जाए आप हाथ के ऊपर, इस प्रकार से हाथ सामने ले, इस प्रकार से पकड़े, पूरा रिस्ट करें, दोनों हाथ को सेम ले, हैंड चेंज, ये चेंज हो गया। इसके बाद आप हाथ सामने की तरफ पूरा दबाए, कस के दबाए, आप पावर दें हाथ में, पावर देने के बाद में इस प्रकार से दबाए, इस प्रकार से रोटेट करें अपोजिट, ओके चेंज, ओके चेंज, ओके चेंज, 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 ये हो गया आपके हाथों की यहां तक की एक्सरसाइज। अभी आ जाते हैं कमर पे, कमर पे दोनों हाथ कमर पे पकड़े लगाए, इस प्रकार से पूरा रोटेट करें कमर को अपोजिट, ठीक है। आपका ये आपका कमर तक का एक्सरसाइज खत्म हो गया, दोनों हाथ डाउन, पंजा टच करिए, पंजा टच हो गया, ओके डाउन। ये आपका दो तीन बार एक्सरसाइज करना, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आपका वीडियो में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, मैं आपको एक नॉर्मली नॉर्मली एक एक बार एक एक चीज करके दिखा रहा हूं ताकि आपको इसकी जानकारी आसानी से मिल सके। ओके खड़े हो जाइए सभी। हाँ, अभी यहाँ तक आपका कमर तक का एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब आता है मेन चीज आपका पैरों का एक्सरसाइज। पैरों का एक्सरसाइज किस प्रकार से होता है वो देखें। पैरों का एक्सरसाइज सबसे पहले पैर को आगे की तरफ पकड़े, इस प्रकार से दोनों हाथ से इस प्रकार से पकड़े पैर को,
और ऊपर की तरफ रिच करें, रिच करें, खींचे अपनी तरफ, चेस्ट की तरफ रिच करें, जहां तक खिंचाओ आपको दर्द नहीं होता वहां तक खींचते रहे पैर को। ओके डाउन, नेक चेंज, सेम इस प्रकार से तीन तीन का सेट मारना है आपको। मैं आपका समय कम ले रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली एक छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ जो सारी चीज आपको करनी है। ओके डाउन, सामने की तरफ उठा ले पैर को, इस प्रकार से पकड़े, रिच करें, रिच करिए, घुटने को दबाइए नीचे की तरफ। ओके लेग चेंज, डाउन पीछे, पीछे मोड, पीछे मोड, हाँ पीछे की तरफ पैर को पकड़े, इस प्रकार से पैर को पकड़ना है, हिप को सटना चाहिए आपका पैर, और ऊपर की तरफ रिच करें। बहुत बढ़िया सवाल, लेग चेंज, बहुत बढ़िया, इस प्रकार से आप सेम पीछे बैक, हाँ दोनों एडी पे आ जाए इस प्रकार से, हाँ आगे की तरफ एडवांस, हाँ सेम बैक, ओके डाउन, हाँ दोनों हाथ ऊपर इस प्रकार से रिच करें, पंजे के ऊपर माउंट हो जाए, पंजे के ऊपर एडवांस, सेम बैक, ओके डाउन, हाँ लेग बाया पर आगे रोटेट करते रहे पूरा पैर को, अपोजिट, लेग चेंज, अपोजिट, ओके ये यहां तक हो गया एक्सरसाइज आपका। अभी पैर पीछे की तरफ ले इस प्रकार से, हाँ पूरा प्रेस करें, पंजा टिकाया, पंजा टिका के नीचे की तरफ प्रेस करना है। ओके लेग चेंज, हाँ अभी लास्ट एक्सरसाइज बची आपकी, पैरों की लास्ट एक्सरसाइज, आपकी मसल्स खिंचाव आने के लिए किस प्रकार से खिंचाव करते। ओके आगे की तरफ इस प्रकार से पैर ले ले, आपका पीछे वाला पैर का पंजा है, पीछे वाला पैर का पंजे को अंदर की तरफ मोड़ ले, सभी अंदर की तरफ मुंह करें, आगे की तरफ रिच करें, आप देखिए आपके काफ मसल और थाई मसल में खिंचाव आएगा, डाउन, काफ मसल थाई मसल में खिंचाव आ रहा है, हाँ पीछे का एडी नहीं उठना चाहिए, एडी उठेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। ओके लेग चेंज, तो इस प्रकार से हमने आपको बताया, आपको रनिंग से पहले ये चीज आपको मैंने छोटी छोटी चीजें मतलब एक छोटा छोटा डेमो दिया है, एक एक बार करके दिखाया, इनका तीन तीन का सेट मारे आप रनिंग में, रनिंग करने से पहले, तो आपको 15 दिन अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो आपका बॉडी एकदम रिदम में आ जाएगा, आपका पैर एकदम रिदम में आ जाएगा, तो आपको ये रनिंग में दर्द होने वाली समस्या है सारी खत्म हो जाएगी। तो ये नए धावकों के लिए था, जो आप नए आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो कृपया इस प्रैक्टिस को इसमें शामिल करिए, आपका बहुत फायदा होने वाला है, आपको पैरों का दर्द नहीं होगा। दूसरी चीज इसके बाद में आता है आपका, आप पैरों के दर्द से परेशान है, हमारे इस YouTube चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको मिल जाएंगे, जिसको पुरानी प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो वो भी आपको मिल जाएगी, और आसानी से उसको आप देख के फॉलो करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, हमारा ये वीडियो पसंद आता है, तो आप जरूर एक बार इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक जरूर करें, और अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें डिस्क्रिप्शन में आप लिखें या मैसेज में आप लिखें कि हमारी ये सर समस्या आ रही है, तो उस समस्या का समाधान हम आपको इस YouTube चैनल पे आपको जरूर वीडियो बनाकर देंगे। जय हिंद दोस्तों।